आज हम बात करने वाले हैं आइंस्टाइन का बॉक्स नंबर 5 फॉर 3 to 4 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन. सो इस बॉक्स में क्या क्या एक्टिविटीज इस बार हमें मिली हैं, वेदर इट वॉज अ हिट और मिस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो इन डिटेल. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आइंस्टाइन के बॉक्स नंबर 5 में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, सो मेक श्योर कि आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा. मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं मॉम किड एक्सप्रेस पर. चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, एंड देन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी. ये 5 है क्या? हाँ, 5th है. सो सबसे पहले ओपन करेंगे तो इसमें हमको मिलता है ये हेलो पेरेंट्स कार्ड एज यूजुअल हमेशा की तरह. तो ये 3 साल के बच्चों का है और ये 5वां बॉक्स है. सो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं आई हैं, लाइक इसमें 3 एक्टिविटी आई हैं और 2 स्टोरी बुक्स आई हैं. सो लेट्स सी. सो हमेशा की तरह एक बुक आती है टिगी की. सो ये है टिगी ईट्स हिज ग्रीन्स. सो बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाने के लिए इंस्पायर करना, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए दिस बुक विल बी ग्रेट. और ये पीछे का इसमें लग गया है, ठीक है. सो यहाँ पे आपको एक मार्कर और एक क्लोथ भी मिलता है. और यहाँ पे बेसिकली हमेशा की तरह शेडो इमेजेस दी जाएंगी और बच्चे को आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे कि ये जो शेडो इमेज है ये किसकी है. सो ये इस बॉटल की है और आई थिंक काउंट करने के लिए भी रहेगा. काउंट करने वाला नहीं है इसमें, बट या शेडो इमेजेस वाला है. और लास्ट में जो है वो स्मॉल लेटर्स लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए पेजेस अवेलेबल है. और ये राइट एंड वाइप वाला है, सो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. और यहाँ पे भी सर्कल द ऑड वन आउट ऐसा करके एक एक्टिविटी दिया हुआ है. सो इस तरीके से बच्चे अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं. तो दूसरी बुक है, दैट इज द लॉस्ट बेबी बर्ड. यहाँ पे ये एक बुक है, स्टिकर बुक है ये इस तरीके की. सो यहाँ पे स्टिकर्स स्टिक करने होते हैं और ये स्टिकर दिए हुए हैं, ठीक है. और ये स्टिकर यहाँ पे स्टिक होंगे, ठीक है. इसके बाद में जो हमारी पहली एक्टिविटी है वो हम ओपन करते हैं. ऑल दो उनमें भी थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज दी हुई हैं. सो इन्होंने 3rd टाइम फिर से एक ये पेंटिंग दिया है. ऑलरेडी पहले भी पेंटिंग आ चुकी है, सो मैं इससे अब काफ़ी बोर हो चुकी हूँ. बट लेट्स ओपन दिस. इसमें क्या स्पेशल है, ये शेप स्टैम्पिंग का है. सो पेंटिंग ही नहीं करूँगी. क्यों? नहीं, कोई बात नहीं, कर लेना. सो इसमें ये कटआउट्स दिए हुए हैं, जैसे स्क्वायर है. सो आपको स्क्वायर पे कलर लगाना है और इसको स्टैम्प करके कलरिंग करना है, ऐसा करके ये एक्टिविटी है. सो पहली ये इस तरीके से हार्ट्स में ट्राइंगल से करना है. आई थिंक हमने जो बबल रैप वाला कलरिंग किया था लास्ट वाले बॉक्स में, उसमें भी ऐसे ही था कि वो शेप में कट किए हुए थे बबल्स और इस तरीके से वो पेंट करना था. तो दिस इज़ टोटली बिल्कुल दिस इज़ एग्जैक्टली सेम, बस उसमें बबल रैप था और यहाँ पे ये फोम का इन्होंने शेप्स कट करके दिया है. ये कार्ड है. सो यहाँ पे ये वाले कार्ड्स हैं. इसमें पूरा दिया हुआ है कि आपको ये गेम जो है किस तरह से खेलना है, किस तरीके से लगाना है. सो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बर्ड जो है नेस्ट में रहती है, मंकी जो है वो बनाना खाता है, इस तरीके से आपको ये लगाना है. सो ये है थिंग्स टू गो, थिंग्स दैट गो टुगेदर. और ये लास्ट में जो है ये है लकी आउल्स. सो ये है एक लेट मी सी. सो आई थिंक ये मॉडलिंग गेम है. सो आपको कुछ बनाना रहेगा इससे. नेक्स्ट है वो है ये आउल को मॉडल, मतलब लगाना है. सो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के आउल्स आप लगा सकते हैं और इससे ये जो कटआउट्स हैं ये इस तरीके से
चिपकाने हैं यहाँ पे। सो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ये मुझे एक्टिविटी काफ़ी अच्छी लगी। इसमें आईज भी दी गई हैं और ये गुगली आईज हैं। सो ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। सो जैसे कि हर बॉक्स की तरह इसमें भी एक टिगी स्टोरी बुक होती है विच इज़ क्वाइट ओके। बच्चों को स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता है, बट इट वॉज लाइक ओके ओके। एंड देयर वॉज अनदर स्टोरी बुक और इसमें स्टिकर बुक था। सो हमेशा की तरह एक और स्टिकर बुक था, सो इट वॉज ऑल्सो ओके ओके। स्टोरी वॉज नॉट दैट ग्रेट, बट बच्चों को स्टिकर चिपकाना अच्छा लगता है, सो इट इज़ काइंड ऑफ फन एक्टिविटी। उसके अपार्ट जो था इसमें कुछ एक्टिविटीज़ और थी, जैसे कि कुछ कार्ड्स थे, डोमिनो कार्ड्स थे, जिसमें आपको एक पेयर बनाना है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ जाती है और आपको उन दोनों को नियर बाय रखना है। सो दैट एक्टिविटी वॉज ऑल्सो गुड, बच्चों को समझ में आता है। जैसे कि नेस्ट है, नेस्ट में कौन रहता है, बर्ड्स रहती हैं, या फिर टेबल है, टेबल के साथ क्या जाता है, चेयर। इस तरीके से जो चीज़ें आप साथ में रखते हैं बच्चे जब कार्ड्स को यू नो पेयर में रखते हैं, तो ये भी बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए, मोटर स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टिविटी। इसके अलावा एक और एक्टिविटी थी जो बहुत ज़्यादा मुझे वाहियात लगने लगी अभी सच में, दैट इज़ कलरिंग का पेंटिंग वाला एक्टिविटी। सो वो एक्टिविटी एक ऐसी है कि हर बार बॉक्स में होती है और लाइक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इनको चेंज करना चाहिए। जैसे कि एक बार नॉर्मल कलरिंग था, सेकंड टाइम आई थिंक फिंगर वाला पेंट करना था, एंड थर्ड टाइम इट वाज लाइक समथिंग लाइक बबल से कुछ करना था, बबल वाले कटआउट्स थे शेप में और उसमें पेंट लगा के देन यू हैव टू यू नो कलर द इमेज। और जो इस बार है एक बार और आई थिंक 5 boxes में से 4 boxes में ये कलर वाली एक्टिविटी आई थी, तो फोर्थ वाला जो था उसमें स्टैम्प दी हुई हैं अलग अलग शेप्स की, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड आई थिंक सम स्टार आई थिंक। सो ऐसा 4 स्टैम्प दी हुई हैं और उससे आपको अगेन कलरिंग करनी है। ऑल्दो इट इज़ अ फन एक्टिविटी, बच्चों को पसंद आता है, पर हर बॉक्स में मुझे नहीं उतना अच्छा लगता, बिकॉज हर बार वही कलर, वही स्टैम्प्स ऑलमोस्ट, जैसे बबल वाला भी था उसमें भी शेप्स के कटआउट्स थे। सो इसलिए मुझे लगता है ये दोनों एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी, ऑलमोस्ट सिमिलर थी, जस्ट यहाँ पे फोम का स्टैम्प है, वहाँ पे बबल का स्टैम्प था। और जो उसके बाद में एक एक्टिविटी इसमें आउल वाली थी, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि अलग अलग कटआउट्स थे, बच्चों को ग्लू लगा के उनको स्टिक करना था, और एक ही बहुत ही ज़्यादा प्रिटी आउल बन के आता है। बहुत ज़्यादा ये मुझे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टिल ये बॉक्स मुझे वर्थ इट नहीं लगता है प्राइस पॉइंट को देखते हुए। सो या अगेन इट्स अ मिक्स फीलिंग एंड आई वोंट रिकमेंड कि आप इसका 6 months का सब्सक्रिप्शन लो। आई वुड से कि आपको इस बॉक्स को पहले 1 या 2 boxes मंगा के देखिए, मेरे वीडियोस को देखिए कि इनमें किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ आती हैं, एंड इफ़ इट इज़ समथिंग दैट आपको लगती कि आपका चाइल्ड विल इन्जॉय ऑल दोज एक्टिविटीज़, देन यू कैन गो फॉर इट। बट फॉर मी इट वॉज नॉट दैट वैल्यूबल, सो या इट वॉज नॉट दैट हिट फॉर मी। सो या दैट इज़ माई पर्सनल फीडबैक। आपका जो रिव्यू है इस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, बट इट वॉज नॉट फॉर मी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई आइंस्टाइन बॉक्स, आई विल एड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आप एक बॉक्स मंगा करके परचेज करके देख सकते हैं। हो सकता है और किसी एज के बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा वेरिएशन में आए, क्योंकि 3 से 4 साल के बच्चों के लिए यू नो वही थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, कलर्स उनके लिए हेल्पफुल होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, तो मे बी शायद दैट वॉज द रीज़न जिसकी वजह से उन्होंने कलर्स की जो ये एक्टिविटी हर बॉक्स में रखते हैं। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।